बताएं आपको कैसा लगता है कि जब आप उन लड़कों के पापा बनते हैं जो आपसे सिर्फ 3-4 साल छोटे होते हैं। यार देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे नुमान इजाज के पापा बना रहे थे, इनकार कर दिया था। मैं कह नहीं भाई, इनकार कर दिया। हाँ हाँ, मैंने कहा वो तो ऑलमोस्ट मेरे जितना है यार, उसको मेरा बेटा बना रहे हैं। नुमान इजाज के पापा? यार यार कैसी बात है नादिया, या प्लीज स्टैंड ले। एक महमूद साहब, एक ट्रेंड चला है, मैं भी अक्सर कोई मुझे अभी रोल ऑफर होता है तो वो भाई तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आपका तो बनता है, आप तो माशाल्लाह। क्या कहते नादिया, मैं तो मुझे रोल तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं, कैरेक्टर और अब बनेगा ऐसा ड्रामा इंशाल्लाह, इजाजत से मेरे पापा काम के लिए तो ये कुछ भी रोल अच्छा। मेरे कुछ असूल है महमूद साहब, मेरे असूल है बड़े बच्चों की मानी बनूंगी, बहुत बड़े बच्चे जो मतलब मेरे आसपास की उम्र की हो, बहुत अच्छा। आप ना कर देते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी और फनी ऑफर? ऑफर्स तो बहुत सी मिलती है मुझे, बहुत से सिटकॉम की मिली ऑफर, लेकिन वो जब तक एक मेरा वो चल रहा है, पता नहीं अब मैंने सिग्नेचर है लेना, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो जब तक मेरा बुलबुले चल रहा है तो तब तक मैं कोई और सिटकॉम मैंने मना किया। ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन, आपने मना किया या ये चैनल नहीं, मुझे ऑफर्स आती, अब तो खैर चैनल्स पे आ ही नहीं रहा ना। लाइट कोई चीज आप देखे किसी चैनल पे सवाए बुलबुले के? तो किसी चैनल पे कुछ है ही नहीं है बुलबुले। पाबंदी लग गई है कि आपने हंसाना नहीं है लोगों को, रुलाए डराए भगाए, लेकिन आपने सब, आप आजकल जो आपके कैरेक्टर्स आप कर रहे हो, आपको आपको मजा आ रहा है, आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आपको फखर महसूस होता है? जहाँ तक इरिटेट होते हैं नहीं, जहाँ तक मेरे करेक्टर्स का ताल्लुक है ना, मुझसे वो आम वाला बाप नहीं करवाते फ्रैंकली। वो क्या, मैं शायद थोड़ा सा महंगा एक्टर भी हूँ, तो वो लेते मुझे उन करेक्टर्स में है बाप के, जिनमें कुछ करने के लिए मतलब कि जरा मतलब महंगा तो नहीं हूँ, मतलब ये कि जो बड़े हैं हमारे साथ और हम भूत बन के उनको डराया, मजाक उड़ा रही है माशाल्लाह। नहीं सर, मैं चाह रही हूँ और बड़े हमारे ये है कि जो नेगेटिव रोल है ना जी, जिसमें चौधरी बौधरी बनना होता है, ऑडियो चाहिए होती है जितेज। ये आवाज कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से, ये मेरी आवाज है, मेरी पेट से आती है, गले से आती है सर। इसकी आपको मैं मजे की बात बताऊं, डायफ्राम से निकलती है, मतलब डायफ्राम का आपको पता है, मुझे निकलती है ऐसे। रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था जब आई वाज यंग, मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रेडियो पे ऑडिशन देने गया था, तो मुझे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी वॉइस क्वालिटी वो नहीं है इसके लिए, सही नहीं है माइक के लिए। हाँ सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, ऑफेंड हो गया मैं कि यार है कि गर्ल हुई। आपने कैसे ऑडिशन दिया, तो उसका आवाज कैसी थी? जरा पतली थी। कैसी थी? ऊपर से बारीक वाली जरा यूं निकलती होगी ना, जरा सही, फिर रिजेक्ट किया ना। उसके बाद मैंने थिएटर किया। अब थिएटर में आपने 500-600 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, मैंने बकायदा इसकी प्रैक्टिस की थी अंदर से ना बोलने, यहाँ देखे दो होते, एक आप यहाँ से बोलती है, एक आप अंदर से फेफड़ों से आप बोले। यार भाजन कैसी बातें करे, ये आम अगर मैं बोलता हूँ तो ये यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यार असलम ना कर यार, इस तरह ये क्या ना दिया, क्या हो गया आपको यार, ये क्या कर रही है? और जैसी लेडीज का फोन आता है तो फिर कैसी आवाज होती है? कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? तो भी ठीक आपकी। अच्छा हाँ यार, वो मैं आ नहीं सका, आई एम सो सॉरी, वाइफ थी घर पे, हाँ मैं निकल नहीं पाया, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ओके बाय। वो फिर आपको पता, ये भी रिसर्च के मुताबिक लड़कियां ज्यादा ना आवाज पे मरती हैं। ये मैं ना फैसल से पहले फोन पे एक टेक्स्ट पे बात हुई, फिर फोन पे जब मैंने बात की ना और ने कहा कि मैं एयरपोर्ट्स में था, खत्म। मैंने आवाज उन्होंने हेलो किया ना, आई वाज लाइक कितनी अच्छी आवाज है अब वैसी आवाज नहीं है, लेकिन शादी के बाद आवाज चेंज हो गई। देखा फैसल को पहली बार ये आवाज का यही होगा मां से कहते हैं। अच्छा मैंने देखा है, वो तो अपना कॉन्शियस होके बोलते थे, अब वो नॉर्मल बोलते हैं, हां भाई क्या ये वो, कितनी चीजें पड़ी हैं, हां भाई खाना लगा दो। शुरू में था, पहले तो हम उससे फोन में कहते थे हेलो, वो किसी ने कह दिया होगा कि ऑडियो अगर अच्छी नहीं होगी तो आप, वैसे होनी भी चाहिए। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।